नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सो रही है पुलिस, आप जागते रहें। घर के लोग सोते रहे और चोर चोरी करके ले गए। जी हां, आजकल यही सब हो रहा है आरोन क्षेत्र में, जहां पुलिस की लापरवाही के चलते दिनों दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। देर रात सिरोंज रोड पुराने पेट्रोल पंप के सामने रहने वाले ब्रजमोहन धाकड़ के निवास पर हुई चोरी। ब्रजमोहन धाकड़ जिस मकान में रहते हैं उसी में बाहर उनका बिल्डिंग मटेरियल का काम है। रात को रोज की तरह दुकान बंद कर कर वे अपने घर सोने गए। सुबह उठकर देखा तो सारा सामान जस के तस रखा था, लेकिन जैसे ही दुकान के अंदर पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके काउंटर जिसमें रुपए रखते थे वो दराज टूटी हुई थी। आंकलन करने के बाद पता लगा कि उनके यहाँ करीब 30,000 से 35,000 रुपए उनके गले में रखे थे, जो कि चोरी हो गए। ऊपर जाकर जब देखा तो जीने के ऊपर वाली दीवार में छेद करके चोर अंदर घुसे थे, साथ ही वहीं से आकर रुपया ले गए, जिसकी सूचना धाकड़ द्वारा आरोन थाने में दी गई। पुलिस ने आकर मौके का मुआयना तो कर लिया। नगर में इन दिनों चोरों का बड़ा ही खौफ व्याप्त है। नगर के आसपास के गांव में भी चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिनके कारण ग्रामीणों में एवं नगर वासियों में रोष देखा जा सकता है। आमजन की समझ से परे है कि क्या हो गया है यहाँ की पुलिस को और चोरी की वारदातें इस कदर क्यों बढ़ गई। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा ब्रजमोहन धाकड़ है। कैसा क्या हुआ बताना? मैं करीबन कल शाम को गुना निकल गया था और जो लड़का था उसे मैं चाबी दे गया था अपने इसकी दुकान की। तो रात में फिर लौट के मैं 10 बजे आया हूँ, तो उसने दराज में जो दुकान के काउंटर में पैसे रखे थे शाम को, तो शाम को रखते समय दो बाहर बैठे थे हमाल वगैरह, उन पे ने देख लिया उसको, ये पैसे रख रहे हैं भाई साहब गुना निकल गए। तो इसके अंदाज में उनने लगा ली भाई साहब नहीं रहे ऊपर जान के, उनने रात से प्लानिंग करी। प्लानिंग करके रात में लगभग 2 बजे समथिंग उनने पीछे से चढ़ के और दीवार तोड़ के अंदर से चोरी को प्रयास करो, और रूम में हम सो भी रहे थे, रूम में अंदर नहीं आए, सिर्फ दुकान के काउंटर में ही उनने चोरी करी है। लगभग 32,000 रुपये थे कल का कैश, और वर्तमान में अभी अपन ने थाने में रिपोर्ट डाली है, उसको लेकर गए, पूछताछ कर रही है पुलिस। किसको? टिल्लू है उसको, वो भी रात को लगभग पुलिस वाले को भी 1 बजे मिला ATM के पास अकेला, फिर 1:30 बजे के समथिंग पुलिस दूसरे पुलिस वाले को जो गाड़ी चल रही थी उन्हें 1:30 बजे दास हनुमान मंदिर के पास मिला। वही टिल्लू 3 लोग मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे और आ रहे थे, पूछ रहे थे, पूछा तलाश करी तो उसने बताया कि हम इधर से आ रहे हैं हॉस्पिटल तरफ से। अच्छा, तो पूरा उसी पे मेरा साथ है। चोर कहाँ से दाखिल हुए घर में? जी, चोर अंदर दाखिल कहाँ से हुए? अंदर ऊपर से जो उसका जीना का भंडरिया बना होता है उस पे से अंदर से चोर अंदर आए। तो टोड़ा है उसे? उसके दीवार तोड़ के निकाल के और सीधा उसमें ही काउंटर पे ही गए। अच्छा, एक उसके चोर पैर भी मिले, पैर के निशान भी मिले, वो खड़ा है, फिर हमने सुबह उसे बुलाया, उसके पैर का निशान भी मिलान करे तो वो पैर के निशान उसके मिले। एक पकड़ा भी गया? हाँ, एक पकड़ा भी गया, उसी के पैर के निशान वो मैच कर रहा है। कितना कुछ गया है आपका? अपना 32,000 रुपये काउंटर में रखे थे, 32,000 रुपये
चोरी हुई थी आप जब सो रहे थे? हाँ मैं यहीं सो रहा था, मैं रात को 10:30 बजे गुना से वापस आ गया था, 8 बजे गया था। मैं सोची कि है नहीं है भाई साहब, चोरी का अंजाम दे लो। काउंटर में रखते समय उसने पैसे देख लिए थे, उसने मैं कमरे में भी रखा था और पैसे कमरे में भी रखे थे, यहाँ से चोरी नहीं गए। और भी कमरे में मोबाइल भी रखा था, गेट भी खुला था, गर्मी के मारे पंखा चल रहा था, कमरे में भी मालूम नहीं आया कि नहीं आया। चोर जब अंदर आया आपको भनक नहीं लगी? नहीं मुझे नहीं लगी रात में, क्योंकि दुकान में सारे दिन थक जाते हैं। फिर गुना से आया था मैं तो 8 बजे गया था और 10 बजे वापस 10:30 बजे आया हूँ, तो हाथ थक जाते हैं, पंखा चलता है, मालूम नहीं पड़ पाई। पैर के निशान से और उसके निशान से सुबह हमने उसे बुला कर पकड़ कर लेके आए, हम उसे पुलिस के हवाले कर दिया, थाने कार्रवाई चाह रहे हैं। आज मंडी प्रांगण में प्याज की नीलामी की गई। जिला प्रबंधक ने बताया कि करीब 6300 क्विंटल प्याज की आज नीलामी की गई, जिसका नीलामी मूल्य 201 रुपये आया। आपको बता दें कि यहां पर प्याज 4 अन्य राज्यों से मंगाई गई थी, जिसके कई रैकों में खराबी थी, कई में सड़े हुए प्याज निकले। काफ़ी सारी प्याज सड़ गई, कुछ को लूट भी लिया गया, उसके बाद मंडी प्रशासन ने इसकी नीलामी रखवाई। अब कहीं जाकर प्याज सुरक्षित हाथों में चला गया। अब तो यह समय ही बताएगा कि इस नीलामी के बाद मंडी को कितना घाटा इस प्याज के चक्कर में उठाना पड़ा। सौ क्विंटल रखा गया, उसका 201 के भाव से गया है और कृषि भवन का निचले इसमें से 600 क्विंटल के भाव से 201 के भाव से कुल मिला कितनी खर्ची? कुल मिला के अपने 6300 क्विंटल के करीब चल रही है। क्या नाम है? विनी सराफ, जिला प्रबंधक। मौसम के बदलते तेवर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ना ही बारिश आ पा रही है और ना ही मौसम सही हो पा रहा है, जिसके चलते जिला चिकित्सालय में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लगभग जिले के सभी डॉक्टरों के क्लिनिक और हॉस्पिटल में इसी तरह से मरीजों से लबालब भरे हुए हैं। लोगों का हाल बेहाल है और बारिश है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम विभाग की माने तो ये सब पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण हो रहा है। पेड़ों की कटाई के साथ साथ पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, इस वजह से मौसम में परिवर्तन लगातार आ रहा है। डिजियाना परिवार आपसे अनुरोध करता है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखें। कहाँ है यातायात पुलिस और कहाँ है यातायात के नियम? नियमों को ताक पर रखकर ऑटो चालक कर रहे हैं अपनी मनमानी और इस मनमानी का नतीजा भुगतते हैं आम जन। जिले में ऑटो चालकों की ओवरलोडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑटो में जहां 3 और 4 सवारी की बैठने की जगह होती है, वहीं 10 से 12 लोगों को जानवरों की तरह उसमें भर लिया जाता है, साथ ही उनसे पैसे भी मनमाने ही लिए जाते हैं। ऐसे मंजर गुना में आम हैं। आप कहीं भी किसी भी सड़क चौराहे या गली में इस तरह के भरे हुए ऑटो आसानी से देख सकते हैं। यही नहीं, आप इन ऑटो संचालकों को ठीक ट्रैफिक थाने के सामने भी देख सकते हैं, जहां पर बिना किसी डर और खौफ के ये खड़े रहते हैं। ना ही इन्हें कोई चालान का डर और ना ही पुलिस का। समझ से परे है कि ट्रैफिक कर्मी जो जिले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, वे थाने के सामने क्यों नियमों का पालन करवाने में सक्षम नहीं है। महिला
महिला की मौत के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप। आरोप में उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष वालों ने ली है उनकी बेटी की जान। आपको बता दें कि मधुसूदनगढ़ में रहने वाली सुनीता बाई का कल हॉस्पिटल में देहांत हो गया, जिसके बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की। वहीं मृतिका के ससुराल पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जितने आरोप मृतिका के परिजनों ने लगाए हैं सभी बेबुनियाद हैं। वहीं एफएसएल ऑफिसर ने हमें बताया कि मृतिका का पोस्टमार्टम होना बाकी है, हालांकि अभी तक महिला के जिस्म पर कोई भी चोट के निशान नहीं देखे गए। अंदरूनी अगर कोई चोट है तो उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। नवल किशोर जोशी, कमराज। तो क्या मामला, क्या है बताइए। मामला ये है कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो सवेरे उठता हूँ, हाथ मुँह धोए कल्ला पानी किया और दुकान पे आ गया। चाय नाश्ते की दुकान पे काम करता हूँ। घर में यही साफ सफाई का विवाद, ये चैम्बर साफ नहीं है तो ऐसा नहीं है, जैसे कि उसने पोंछा लगा दिया तो डबल सही है, पोंछा लगा गई, छींटा नहीं खाने चाहती, शकल से नफरत करती। कौन करती है? भाभी जी। आपकी बीवी से नफरत? हाँ, करती है। हाँ, इसी कारण मारपीट हुई। हाँ, अरे उनने, अब मुझे थोड़ी मालूम है, मैं तो मेरी दुकान पे था, मुझे तो ये थाने में पहुँच गया जब रिपोर्ट हो गई, जब पता चला। मैं थोड़ी घर पे था, मेरी 10 साल की लड़की है, वो बता सकती है, लेकिन वो तो अभी है नहीं यहाँ। तो इससे पहले भी वो तो चलता ही रहता है विवाद, तो छोटा मोटा आपके ज़्यादा हो गया। नहीं नहीं, जमीन मकान नहीं, वो साफ सफाई के चक्कर में हुआ था ये। साफ सफाई में इतना बड़ा विवाद? अरे वो विवाद ऐसे ही है, कई बार हो गए, जब बोला ना आपको मैंने कि साफ सफाई के चक्कर में कई बार हो गई है, एक बार नहीं हुई। क्या नाम था आपका? सुनीता। एक महिला का मामला है, क्या मामला है? ये थाना कुमराज सदर बाजार की घटना है। ये महिला सुनीता बाई जोशी है, जिसकी उम्र करीब 37 वर्ष है। ये 3 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, और जिसकी कल शाम के 5:30 के आसपास उसकी डेथ हुई है। हम लोगों ने बॉडी को देखा है, बॉडी पे बाहरी तौर पे तो कोई इस प्रकार की चोट नहीं है। मृतिका काफ़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर लग रही है, और कैसे उसकी मृत्यु हुई है, किन कारणों से हुई है, वो पोस्टमार्टम के बाद ही उसका खुलासा हो पाएगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहाँ की ये महिला है उसका बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा, और जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई करवाई। सर, लड़की पिता का कहना है पारिवारिक लड़ाई है उसकी जगह लेकर। पारिवारिक क्या झगड़ा हुआ है और किन कारणों से उसकी डेथ हुई है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, क्योंकि उस पर कोई इस टाइप के उसकी बॉडी पे चोटों के निशान नहीं है। अंदर हो सकता कुछ कारण, अन्य कारण रहे हों, या कोई और बात हुई हो, छोटे हों या जो भी है, एक्सटर्नल कोई चोट नहीं है बॉडी पे, किन कारणों से हुई है पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा, और इसमें बारीकी से जांच की जाएगी कि विवाद क्या था और उनके परिवार में क्या विवाद हुआ था, और क्या कारण थे, किन कारणों से घटना घटी है, ये सारे तथ्यों के आधार पर जो भी आएगा जाँच की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस बड़े ही उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया। आज सुबह ही जिला चिकित्सालय में सभी भाजपा जन इकट्ठे होकर मरीजों को फल वितरण किया। फल वितरण करने के साथ ही मनाया गया श्री मुखर्जी का जन्म दिवस। इस मौके पर बड़ी ही संख्या में भाजपा जन मौजूद थे। दुनिया
बेटी ने उसको अपने चिकित्सालय में जाके मरीजों को फल वितरण करके मना रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ता है और फल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। मुखर्जी का जन्मदिन है, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक हैं, उनको याद करके उनकी याद में जन्मदिन के अवसर पर हम ये फल वितरण का कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है। तो सभी जिला केंद्र, मंडल केंद्र और ऐसी बड़ी जो सेवा के कार्य जहाँ डिस्पेंसरी वगैरह चलती है, लोगों में फल वितरण करना, कहीं भोजन वितरण करना, कहीं बच्चों को पुस्तकें वितरण करना, वस्त्र वितरण करना, इस प्रकार सेवा दिवस के रूप में इस डॉक्टर साहब के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी मनाती है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर हमने ये फल वितरण का कार्यक्रम हमारे वरिष्ठ संगठन मंत्री माननीय शैलेंद्र जी बरुआ, हमारे विधायक मोहन पन्ना लाल जी, पूर्व खेल मंत्री श्री कन्हैया लाल जी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे सूर्य प्रकाश जी तिवारी इत्यादि सभी वरिष्ठों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।